डियर फ्रेंड्स, क्लास 10 स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री सेक्शन के लास्ट वीडियो में हम लोग लर्न कर चुके हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसके कन्वर्ट्स के बारे में। आज हमारा टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एग्जाम में डायरेक्ट इसको पूछा जाता है। और अगर ये थ्योरम नहीं आता है तो अक्सर ये देखा गया है कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्योरम क्या है कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग? एबीसी अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां एंगल बी 90 डिग्री है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट इज एसी स्क्वायर जो है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल। सो थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो फर्स्ट पार्ट हमारा गिवन, इसमें गिवन क्या है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी गिवन है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। नाउ नेक्स्ट इज टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है कि एसी स्क्वायर जो है वो एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के इक्वल है। नाउ एक स्मॉल कंस्ट्रक्शन पार्ट, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमें इसको प्रूव करने के लिए हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। सो हमने क्या किया, बी से एक परपेंडिकुलर बी डी ड्रॉप किया है, ये 90 डिग्री। सो द कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ परपेंडिकुलर बी डी ऑन ए सी। ओके, नाउ द प्रूफ, लेट अस सी द प्रूफ। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट है, यानी सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से हम ये प्रूफ करेंगे। अगर आप फिगर को ध्यान से देखिए तो एक ट्रायंगल ए बी डी और एक दूसरा ट्रायंगल बी, एक दूसरा ट्रायंगल जो बड़े वाला ट्रायंगल है, यानी इन ट्रायंगल ए बी सी हमारा बड़े वाला ट्रायंगल, ये सिमिलर है किस ट्रायंगल के, एक और ट्रायंगल है ए डी बी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, लिखते समय ए बी में बी हमारा क्या था, 90 डिग्री है, और इस ट्रायंगल में डी 90 डिग्री है तो वो बीच में ही आएगा ना। ए एंगल दोनों में कॉमन है तो ए की पोजीशन को चेंज नहीं करने वाले हैं, सो इट इज ए डी बी। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, ये सिमिलर ट्रायंगल। नाउ सिमिलर ट्रायंगल्स में सिमिलर क्यों है अगर पूछा जाए, सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है, ये बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की हेल्प से। और ऐसे ही एंगल ए जो है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। सो नाउ ये अगर दोनों ट्रायंगल कॉमन है तो इनके साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो चलो पहले बड़े ट्रायंगल को लेते हैं। ये बड़े ट्रायंगल की साइड क्या क्या है, ए बी, ए सी एंड बी सी। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग छोटे ट्रायंगल को भी लिख लेते हैं। ओके, नाउ छोटे ट्रायंगल में अब ऐसे देखेंगे, लिखेंगे कैसे, बड़े ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने क्या है, ए सी, तो छोटे ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने क्या है, ए बी। ओके, अब इसमें ए के सामने क्या है, छोटे ट्रायंगल का बी डी, और बड़े ट्रायंगल में ए के सामने क्या है, बी सी, यानी बी सी के साथ हमारा ए डी आएगा, तो जो बच गया है वो ए बी के साथ क्या आएगा, नाउ वी गेट द ए डी, ये इक्वल होंगे ना। अब डियर स्टूडेंट्स, मुझे ए बी स्क्वायर से मतलब है रिजल्ट के, तो क्या करते हैं हम सिर्फ इतने पार्ट को लिखते हैं। इतने पार्ट को अगर लेंगे तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर जो है वो ए सी और ए डी का प्रोडक्ट होगा। सो दिस इज द फर्स्ट वन। एक बार दोबारा क्या करते हैं, एक और ट्राइंगल, यानी ए बी सी ही, ये फिर सिमिलर है, एक और ट्राइंगल है हमारे पास, कौन सा, बी डी सी, ये ट्राइंगल ना बी डी सी। देखिए देखिए मैंने क्या किया, बिना देखे हुए बी डी सी लिख दिया, ये गलत भी हो सकता है। हम लोग फिर कंपेयर करते हैं, यहाँ बी 90 डिग्री है और यहाँ डी 90 डिग्री है, यानी बी और डी की पोजीशन होनी चाहिए, एंगल सी दोनों में कॉमन है तो एंगल सी का पोजीशन सेम होना चाहिए, यानी ये ट्रायंगल सिमिलर, ठीक लिखा हमने। अगेन रीजन क्या है, फिर दोबारा वही लिखेंगे, बड़े ट्रायंगल का एंगल बी और छोटे ट्रायंगल का एंगल डी, ये दोनों 90 डिग्री ईच, दोनों ही 90 डिग्री ईच है, और ऐसे ही एंगल ए जो है ये दोनों में कॉमन है। एक बार फिर ऐसे लिख दीजिए, बड़े ट्रायंगल का ए बी, बड़े ट्रायंगल का बी सी और बड़े ट्रायंगल का ए सी। ओके, अब ये किन के इक्वल है, यानी इसका रेशियो किसके साथ है, छोटे ट्रायंगल से लिखना है। लिखने का तरीका वही होगा, हमने 90 डिग्री को यूज किया था ना, तो ए सी है बड़े ट्रायंगल में 90 डिग्री, तो छोटे में ए सी के अपोजिट क्या होगा,
छोटे ट्रायंगल को देखिए, छोटा ट्रायंगल मीनिंग बीडीसी, बड़ा ट्रायंगल मतलब ये, बड़े ट्रायंगल पे 90 के सामने एसी है और छोटे में 90 के सामने बीसी है, तो एसी के साथ बीसी लिखेंगे। ऐसे ही बड़े ट्रायंगल में सी के सामने एबी था और छोटे ट्रायंगल में सी के सामने बीडी था, तो एबी के साथ हम बीडी लिखेंगे। एक बच क्या गया, डीसी और सीडी, इसको यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि मुझे जरूरत बीसी से है, तो हम इस पोर्शन को ले रहे हैं और इस दोनों पोर्शन से बीसी स्क्वायर जो है वो एसी इंटू सीडी आएगा। नंबर टू क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो जैसे हम लोग ऐड करेंगे, सो व्हाट वी गेट, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, अब जरा ध्यान से देखिए दोनों में ए सी कॉमन है, सो लेट अस टेक ए सी कॉमन, तो इन साइड द ब्रैकेट वी विल हैव ए डी प्लस सी डी, और ए डी और सी डी का सम क्या है, वो भी ए सी है, सो ए सी इंटू ए सी मतलब कि ए सी स्क्वायर, सो वी हैव ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, विच इज अवर पाइथागोरस थियोरम, ये हमारा पाइथागोरस थियोरम है, सो हेंस द रिजल्ट, ना ये रिजल्ट प्रूफ हुआ। तो जैसे पाइथागोरस थ्योरम है इंपॉर्टेंट थ्योरम, सिमिलरली इसका एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, सो नाउ सी द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। नहीं, कन्वर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, कन्वर्स का मतलब होता है कि जो आपने पाइथागोरस में लिया है ठीक उसका कन्वर्स पार्ट, ठीक उसका कन्वर्स ही नहीं, रिवर्स पार्ट। ना रिवर्स पार्ट का क्या मतलब है, हमने पाइथागोरस में राइट एंगल ट्रायंगल लिया और ये प्रूव करके दिखाया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, यहाँ रिवर्स हो जाएगा। यहाँ क्या है, ट्रायंगल एबीसी में हमें ऑलरेडी क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एसी, यहाँ बी 90 डिग्री है, सो हमें गिवन है कि एसी स्क्वायर जो है वो एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के इक्वल है। हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि एंगल बी जो है 90 डिग्री, अभी नहीं पता हमें एंगल 90 डिग्री है। सो क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन में लेट अस कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू आर और इस तरीके से लेंगे कि ये एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, और ए बी जो है ए बी पी क्यू के इक्वल है और बी सी क्यू आर के इक्वल है और इनको ज्वाइन कर लेते हैं। यानी क्या क्या हमने, टू प्रूव दिस हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन लिया है, कंस्ट्रक्शन मीनिंग कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर, कंस्ट्रक्ट पी क्यू आर सच दैट क्या गिवन है कि ए बी जो है वो पी क्यू को इक्वल है और बी सी जो है वो क्यू आर और आर क्यू के इक्वल है। नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। मैंने इसमें गिवन और टू प्रूफ नहीं लिखा है, आप लोग लिखना सीख चुके हैं ऑलरेडी, तो आप लोग गिवन और टू प्रूफ लिख लेंगे। सो नाउ इन दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि इस ट्रायंगल में हमें ऑलरेडी, हमें क्या गिवन है, हमें पहले से गिवन है कि ए सी स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल है और ये जो ट्रायंगल 90 डिग्री है, तो बाय पाइथागोरस में ये तो आपका गिवन हो गया। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि पी आर स्क्वायर जो है वो पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है, बाय पाइथागोरस। लेकिन पी क्यू किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, सो ए बी स्क्वायर, आर क्यू किसके इक्वल है, बी सी के, सो बी सी स्क्वायर, और ये हुआ पी आर स्क्वायर। सो नाउ इन दोनों रिजल्ट में जो राइट हैंड साइड है दोनों का इक्वल है, इसका मतलब ए सी जो है वो पी आर के इक्वल हो जाएगा। ओके, नाउ इन दोनों ट्रायंगल में आइए, यानी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, अगेन ट्रायंगल पी क्यू आर, हम लोग क्या देखते हैं कि ए बी पी क्यू के इक्वल है, राइट, देन आर क्यू बी सी के इक्वल है, ये कैसे पता लगा, विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन, और हमने प्रूव कर लिया कि ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है। ये हमने प्रूफ किया ना, अभी ऊपर हमने प्रूफ किया है। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, ये ट्रायंगल दोनों यानी ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट हो गया है, बाय विच प्रॉपर्टी, एस 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 कॉन्ग्रेंट से। तो जैसे ही कॉन्ग्रेंट होगा, सो बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी एंगल क्यू एंगल बी के इक्वल होगा और एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है, सो एंगल बी भी 90 डिग्री, सो हेंस द रिजल्ट, ना ये प्रूफ हो गया कि एंगल बी 90 डिग्री है। सो ये आपके कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का प्रूफ है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने इस वीडियो में पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देखा है, बोथ द प्रूफ, ये दोनों के दोनों प्रूफ जो हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ज्योमेट्री के और प्रूफ्स के लिए और प्रॉब्लम्स के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ये बताना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।